तो यार आज मैं बताने वाला हूँ कि जावा के कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों का आया है रिक्वेस्ट कि भैया जावा के बारे में बताओ, क्योंकि बहुत से प्लेलिस्ट हैं, कौन सा प्लेलिस्ट फुल्ली कवर करें जिससे जावा पूरा कंप्लीट कवर हो जाए। फिर हमें डेवलपमेंट करनी होगी, फिर हमें DSA करना होगा, फिर हमें एंड्रॉयड डेवलपमेंट करनी है, ठीक है ना। तो सभी चीज़ों को मैं बताता हूँ कि कैसे, क्योंकि जब भी आप जावा सर्च करोगे आप PC में अपने, तो यूट्यूब पर ढेरों प्लेलिस्ट आ जाते हैं, वन बाय वन इतने प्लेलिस्ट आते हैं, शायद आपको मालूम भी नहीं होगा, ठीक है। तो उसे बातचीत करने के लिए, कवर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि मैंने काफ़ी थोड़ा सर्च किया, साथ में थोड़ा सा देखा टॉपिक वाइज, और अब मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ सिनेरियो क्या रहेगा पूरा, ठीक है ना। यार एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि देखो, या तो जावा 2 घंटे में भी सिखा रहे हैं, 1 घंटे में भी सिखा रहे हैं, 7 घंटे में, और एक फुल प्लेलिस्ट भी बना हुआ बड़ा सा, ठीक है। अब मैं बात करूँ स्टार्टिंग में सर्च करने पे, फॉर एग्जांपल अपना कोई 2 घंटे वाला वीडियो आता है जिसमें 2 घंटे में सिखाया जाता है, तो लेटेस्ट वीडियो देखे जाए तो अमन भैया वाला एक वीडियो अपने कॉलेज चैनल है, उस पर वीडियो पड़ा है एक, ठीक है, जावा इन 2 आवर्स, मस्त वीडियो है, फाइन चलता है, काफ़ी सही, उसमें अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आपको जावा की और कवर भी जल्दी से हो जाता है। बट उसमें थोड़ा बहुत अगर आप डेवलपमेंट की तरफ, की नोट की तरफ जाओगे, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कम मिलेगा, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे रखनी पड़ेगी अपने पास। बाकी बहुत सही बना रखा है वो वीडियो, मतलब साथ में जो ट्यूटर है जिन्होंने सिखाया, इंस्ट्रक्टर है, बहुत सही कोर्स है, ठीक है। क्योंकि भाई मतलब अपना कॉलेज में कंटेंट मस्त पड़ा है, ठीक है, वो वाला बहुत सही है अगर आप जल्दी से कवर करना चाहते हो और चाहते हो DSA के लिए प्रैक्टिस। वरना अपना कॉलेज का एक और वीडियो है यार, ये वाला देख लेना, थोड़ा सा इस साइड वाला, इसमें देखना ये जावा प्लस DSA, ठीक है, दोनों को मिक्स करके बना रखा है, तो पूरा कवर होगा इसमें थ्रू आउट। तो जिन लोग DSA टारगेट कर रहे थे सीधा 2 घंटे वाली वीडियो को टारगेट कर सकते हैं, बट थोड़ा बहुत उसमें दिक्कत आ सकती है कभी कभार। वरना अमन भैया ने बहुत लगन से बनाई थी ये प्लेलिस्ट, इसे देख लेना एक बार यार, सही प्लेलिस्ट है मेरे हिसाब से, और कुछ नहीं चाहिए बंदे को। अगर थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं तो टेलिस्को चैनल आता है, 7 घंटे में सिखा रखा है जावा, मैंने देखा टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर, पूरा कवर कर दिया भाई साहब, मज़ेदार है उसमें। अगर थोड़ा सा की नोट की तरफ जाना चाहते हो ना, थोड़ा सर्विसेज की तरफ जाना चाहते हो, नीचे बढ़िया प्लेलिस्ट है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, 7 घंटे बैठ के आराम से देखो। और अगर थोड़ा सा और नीचे नीचे जाते जाओगे तो काफ़ी प्लेलिस्ट आएंगे, मतलब प्लेलिस्ट बहुत आते हैं, इन डेप्थ प्लेलिस्ट आते हैं, बहुत 100-100 वीडियोज़ वाले प्लेलिस्ट आते हैं। एट लास्ट जो चीज़ याद रखने वाली चीज़ है, बातचीत करने वाली चीज़ है, वो चीज़ ये है कि आपका किस प्लेलिस्ट से समझ आ रहा है। मैं तो ये बोलता था लास्ट में, मैं तो ये समझता हूँ लास्ट में, अगर आपको वो प्लेलिस्ट समझ नहीं आ रही पहले वाली, छोड़ दो यार, दूसरी प्लेलिस्ट पे आ जाओ, तीसरी पे आ जाओ, चौथी पे आ जाओ, पांचवी पे आप शफल कर लो यार स्टार्टिंग में। ऐसा ना हो कि आपने आधा कोर्स कर लिया, पहली प्लेलिस्ट को आप शफल कर लिया, भाई फायदा नहीं है। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा, वो तुम्हें एक आधी वीडियो से पता लग जाता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, छोड़ दो यार उस वीडियो को, नई वाली को पकड़ लो। बट ऐसा सच मैं बता देता हूँ कि अगर आपको टारगेटिंग कर रहा है तो मैंने बता दिया, अगर आपको थोड़ा सा ही क्लेवरिंग टीचिंग करनी है तो आप जावा के लिए 2-3 घंटे वाला मास्टर कोर्स कोई भी ले लो, वरना आर्मी कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा अगर ज़्यादा प्यार है जावा के साथ, थोड़ा कंप्लीट डीप डाइव जावा में लगाना चाहते हो, ठीक है, तो यार थोड़ा सा नीचे मतलब बड़ा प्यारा कोर्स प्लेलिस्ट देखना, जैसे अमन भैया के चैनल पर पढ़ा है, अपनी कक्षा के चैनल पर पढ़ा जावा प्लस DSA वो देख लेना, या फिर टेलिस्को बा के चैनल पर जो पढ़ा है कंप्लीट जावा, अब वो भी देख सकते हो। अब इतना काम ख़त्म नहीं हो रहा, थोड़ा सा और बचता है काम, वो काम ये बचता है कि जावा करने के बाद ना क्रिटेरिया कन्फ्यूजन वाला हो जाता है कि किस चीज़ पे ऊपर टारगेट किया जाए। टारगेट करने के लिए चीज़ें बहुत होती हैं, आई थिंक आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा कि यार आजकल जावा से सर्विसेज हटा के लोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट किस तरीके की कर रहे हैं, कोटलिन आ गए, तो थोड़ा मिसमैच रहता है उसे छोड़ के। बट अगर जावा सीखने का मन है तो मैं तो बता ही रहा था इनमें से कोई भी प्लेलिस्ट पकड़ लेना। आई सच आपका क्लियर हो गया होगा डाउट, काफ़ी लोग पूछ रहे थे यार भैया जावा के बारे में बताओ, मैंने जावा का बता दिया यार, जावा या तो खुद सीखने या तो कोई भी कोर्स कर लेना, ठीक है। नहीं मैंने तो भाई YouTube फ्री बहुत सही एजुकेशन दे रखा है, मैं तो भर भर के प्यार दे रहा था ऐसी प्लेलिस्ट को, और मैंने भी कोई ऐसी प्लेलिस्टों से सीखा है यार, जो भी सीखा है आज आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। तो तब तक ले बाय, टेक केयर।